आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने वाले बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ आज रीवा में भी विरोध प्रदर्शन किया गया है। यहां शिवसेना के लोगों ने शहर के प्रकाश चौराहे में केंद्रीय मंत्री का पुतला दहन करते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने वाले बयान को लेकर अचानक महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई, जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। यहां केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी के बाद उन्हें आधी रात 15,000 के जमानती मुचलके के बाद न्यायालय द्वारा 30 अगस्त और 6 सितंबर को न्यायालय में पेश होने को कहा गया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री को भले ही न्यायालय से राहत मिल गई हो, लेकिन महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों में अब विरोध के सुर दिन प्रतिदिन तेज होते जा रहे हैं। रीवा में आज केंद्रीय मंत्री का शिव सैनिकों के द्वारा पुतला दहन किया गया और बीजेपी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। नारायण राणे एक दुष्ट किस्म का प्राणी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्मानित उद्धव ठाकरे को इसने अपशब्दों का प्रयोग किया। इसे ना अपनी हैसियत का ज्ञान है और न सामने वाले के वजूद का ज्ञान है, और जिस तरह से इसने अपशब्दों का प्रयोग किया निश्चय ही निंदनीय है। बीजेपी पार्टी ने स्वतः ही इसके प्रयोग किए गए शब्दों से किनारा कर लिया है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसका अपना ही कोई न हो तो निश्चित ही उसने कोई ऐसी ही दुर्दांत बात कही होगी, गलत बात कही होगी, जिसका विरोध अपने आप में लाजिमी है। इस कारण से आज हम लोगों ने नारायण राणे के हमें पुतला दहन किया है, और मेरी मांग है कि नारायण राणे के खिलाफ जितने भी प्रकरण कायम हुए हैं देश में, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और आगे से इस तरह से किसी राष्ट्रीय महत्व के व्यक्ति के ऊपर कोई लाछन न लगाए, गलत शब्दों का प्रयोग रखे, एक मर्यादित सीमित भाषा शैली का प्रयोग होना अनिवार्य है। इसलिए हम लोगों ने आज नारायण राणे का पुतला दहन किया है। नारायण राणे का कहना है कि ये राजनीतिक विद्वेष के कारण हमारे साथ छल किया गया है, उन्होंने कहा है, क्या मानते हैं? हम तो ये कहते हैं कि नारायण राणे ने खुद राजनीतिक विद्वेष के शब्दों का प्रयोग किया है। उसके मन में राजनीतिक विद्वेष इतनी ज्यादा है, उसकी आज कहीं पूछ नहीं है। कभी पहले वो शिवसेना में था, उसको वहाँ से गद्दारी के कारण मार के भगा दिया गया, कांग्रेस गया वहाँ से मार के भगा गया, अब ये बीजेपी में आया, इसकी दुर्गति यहाँ बीजेपी से ही होगी, क्योंकि इस तरह की के व्यक्तियों का कहीं कोई ठिकाना नहीं होता। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जो आपको भी देखा होगा। देखिए, शिवसेना अपना काम कर रही है, जो कोई भी शिवसेना के खिलाफ अभद्र भाषा शैली या गलत कार्य शैली का रूपरेखा बनाएगा, उसका हम लोग इसी तरह विरोध करेंगे, और पूरे देश में ऐसे व्यक्तियों को